ज्योग्राफी पॉलिटी से एक दो को दो तीन क्वेश्चन पॉलिटी से, ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैक्सिमम, जनरली पंचायती राज से क्वेश्चन होता है, हिस्ट्री से प्रश्न अच्छे खासे होते हैं, बिहार के करंट अफेयर्स ठीक ठाक होते हैं, इन सबको देखते हुए 30 के आसपास हो रहा है, लेकिन 69 बीपीएससी में ये मतलब आपका जो क्राइटेरिया है जो उसको मैच नहीं कर पाया, ठीक है, इकोनॉमिक्स को नेगलेक्ट कर सकते हैं तरीके से। बिल्कुल निगलेक्ट कर सकते हैं, 100% निगलेक्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारा लंबे चौड़े किताबें की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का बजट, ठीक है, नेशनल आर्थिक सर्वेक्षण और नेशनल बजट करके जाइए, ठीक है, 8 से 9 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन आपको बन यहाँ से हो जाएगा। 4 क्वेश्चन के लिए आपको 3 से 4 क्वेश्चन भी आप कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मतलब कुछ मतलब स्पेसिफिक टॉपिक है उसको आप पढ़ेंगे तो वहां से आपका हो जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स में लगना है, आप इकोनॉमिक्स को इग्नोर कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए मतलब कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता ज्योग्राफी है के लिए, ज्योग्राफी में? ज्योग्राफी के लिए बिहार ज्योग्राफी कीजिए, बिहार ज्योग्राफी से अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है, और केबीसी नैनो की किताब आती है, और केबीसी नैनो में बिहार ज्योग्राफी को काफी अच्छे से दिए हुआ है, ठीक है, केबीसी नैनो कर केबीसी सकते नैनो हैं का बिहार के कौन सा लिए, बुक आता? बिहार स्पेशल, बिल्कुल बिहार केबीसी स्पेशल, नैनो का केबीसी नैनो की भी। बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल अब जो अब इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन रहता है? इंडियन ज्योग्राफी में बिल्कुल बिल्कुल रहता है, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहता है, ठीक है, वो लोग सारा मिला के ज्योग्राफी से कितना मिलाता है? बिहार ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी ज्योग्राफी से और 10-12 क्वेश्चन, जियोमॉर्फोलॉजी 10-12 क्वेश्चन मैक्सिमम, बारह। उससे ज्यादा नहीं रहता, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, कम भी हो सकता है, 10-11 के आसपास क्वेश्चन रहता है ज्योग्राफी से। अच्छा, 70 जीपीएससी कौन से वेटेज मतलब आपका टॉपिक होता पे है, हिस्ट्री कमांड का कर वेटेज ले आता तो है, ठीक ज्यादा? है, 30+ वेटेज हिस्ट्री का होगा, फिर आपका करेंट अफेयर्स होता है, फिर आपका बिहार होता है, ठीक है, फिर आपका साइंस होता है, ठीक है, 110-120 के आसपास यही लोग बना देता है ना, फिर आपका इकोनॉमिक्स हो गया, फिर आपका पॉलिटी हो गया, फिर आपका क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स या ज्योग्राफी फिर रीजनिंग जो पूछता है, या फिर ज्योग्राफी हो गया, ये सब आपका 30 30 में ही रहता है, ठीक है, 30-35 के आसपास में सब निपट जाता है, ठीक है, मैक्सिमम आपका हिस्ट्री, ठीक है, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, साइंस, ठीक है, और आपका करेंट अफेयर्स और आपका बिहार, वेटेज आपका यही सब्जेक्ट जो है सो आपका कटअप बना सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, अगर इस पे ठीक आपका पकड़ है, ये आपका अच्छा है तो ये आपका बिल्कुल आप वो मेंस के लिए आप तैयारी कीजिए फिर, ठीक है, और इन सब्जेक्ट में से क्या होता है, 10 में से 10 बहुत सारे बच्चे मैथ बना ही लेते, पूरा पूरा मैथ सही हो जाता, दिक्कत नहीं एग्जाम हो में जाता, मतलब स्कोरिंग होता है ये, अटेम्प्ट क्वेश्चन ज्यादा कर देंगे, निगेटिव पर है तो क्वेश्चन मतलब ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करेंगे निगेटिव पर। और अटेम्प्ट वैसे कंडीशन में करना है जहां से हमको डाउट लग रहा है, सर भाई साहब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 2 तो मुझे लग रहा है नहीं है, 50-50 में अटेम्प्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि आंधी की तरह कुछ भी नहीं पता उसको भी अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, उस प्रकार से अटेम्प्ट नहीं करनी है, अटेम्प्ट मतलब सेंसिबल अटेम्प्ट होना चाहिए, तो ये हो सकता है, ठीक है, मतलब संभावना होनी ठीक चाहिए, चलो 50-50 पे हम खेल रहे हैं, चलो 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो चलो 6 क्वेश्चन मेरा सही हो गया, 4 गलत हुआ फिर भी हम प्रॉफिट में, ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए 8 मेरा गलत है 2 ही मेरा सही है, उस तरह का नहीं होना चाहिए, अधिक अटेम्प्ट लेने पे ना, ठीक है, नुकसान नहीं करता, मैंने इस चीज को देखा है, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म में देखोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता, लेकिन अटेम्प्ट सेंसेबल होना चाहिए, ठीक है, मतलब अधिक अटेम्प्ट मतलब लेने पे लगना मैंने चाहिए चालीस मैंने कई पचास बार, परसेंट के हिसाब हाँ, मैंने करके देखा हूँ फायदा ही होता है, लेकिन बीपीएससी के साथ दिक्कत है ना, 1/3 है, ठीक है, तो कभी आप उल्टा भी जा सकते हैं, अगर यही 1/4 रहता तो अटेम्प्ट के लिए मैं कहता सर ठीक है अटेम्प्ट लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है ना, बहुत ज्यादा मतलब निगेटिव मार्किंग रख दिया है, ठीक है, सर। इस इधर बार पीएचडी जीएसटी का को तो पोस्ट माफ आ करेगा सकता है? भाई, हेलो क्या सर, इधर इस बार पीएचडी जीएसटी का को माफ पोस्ट करेगा, रहेगा आपके हिसाब से? आपको कुछ वो जानकारी है इस पोस्ट बारे के में बारे में हम नहीं कह सकते ना, वो तो आयोग का डिसीजन होगा ना, क्या बोले, नहीं समझे, सर? इधर पीटी, सर P365 वाला जो बुक है इधर वर्क करेगा? इधर काफी होगा? 365 विजन आया कि अब विजन आई इसके 300, हाँ सर, वो वाला वर्क करेगा इधर? हाँ मेंस के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल मेंस के लिए अच्छी आती है, ठीक है, मेंस के लिए उसका यूज कीजिए, गुड गुड फॉर मेंस, ठीक है, विजन की 365 आती है, मेंस के लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है, पीजी वाला जो आता है वो इधर का सफिशियंट? कौन सा, नहीं समझे फिर से, अगेन रिपीट, PG 365 आता है, एक मेंस 365 आता है, वाला थ्री सिक्सटी मेनली थ्री जो आता है विजन का, वो। जो विजन का जो भी सब्जेक्ट बनता है वो यूपीएससी के ध्यान से बनता है ना, वो अपना पीटी के लिए बना रहा है, यूपीएससी के लिए बना रहा है, आप यूपीएससी के पीटी को मतलब वहां, हाँ वहां से आप एक दो चीज पढ़ सकते हैं, जैसे से उसका वो रहता है ना साइंस एंड टेक पढ़ लीजिए, क्योंकि 69 बीपीएससी में साइंस एंड टेक का बहुत सारा प्रश्न पूछा गया था, तो साइंस एंड टेक के लिए विजन 365 पढ़ सकते हैं, आप पॉलिटी वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं तो ये सब ठीक नहीं है, मतलब उस सब्जेक्ट को आप वहां से चुन सकते हैं, ठीक है, मेंस के लिए तो बढ़िया है, मेंस के लिए उसका आईआर काफी अच्छा है, करेंट अफेयर्स काफी अच्छा है,
ठीक है, इकोनॉमिक्स का बजट वगैरह अगर उसमें दिया हुआ तो काफी अच्छा है। ज्योग्राफी के कुछ मतलब टर्मोलॉजी है तो वो सब काफी अच्छा वो देख सकते हैं, लेकिन पीटी के लिए सब कुछ उसका फॉलो करना सही नहीं है। ओके सर। ठीक है, अब कुछ लोग मतलब विजन का मतलब पूरा मतलब मैगजीन ही पढ़ने चले जाते हैं, तो बल्कि हो जाएगा ना वो 150 पेज का उसका करेंट अफेयर्स का मैगजीन पढ़ना, उसको अप्लाई करना टफ होगा। ठीक है, इसलिए आराम से वैसे वैसे इंस्टीट्यूट का मैगजीन पर करिए, करेंट अफेयर्स के लिए जो कि 40-50 पेज का मैगजीन बनाता है, ठीक ठाक रहता है, और आपका मंथली में ठीक से 15 दिन में कवर हो जाना चाहिए मैगजीन का। 15 दिन आपको उसे रिविजन के लिए रख रहे हैं, ठीक है, टाइमली दे देती है। हेलो जी बताइए। जी सर, मतलब प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया हो तो रिवीजन के लिए कोई स्ट्रैटेजी बता दीजिए सर। रिवीजन की एस्टर्जी है, आप तो पेड में भी हो तो हम एक अभ्यास पैच लेकर आएंगे जो कि 90 दिन का रहेगा, ठीक है, उसमें ओवरऑल रिवीजन करवा देंगे, ठीक है, ओवरऑल उसमें पूरा आपका हिस्ट्री करवा दूंगा, पूरा पॉलिटी, पूरा ज्योग्राफी, पूरा साइंस आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन के लिए ज्यादातर पी वाई क्यू विथ सोल्यूशन पे हम लोग काम करेंगे, पी वाई क्यू के साथ और उसका पूरा सोल्यूशन को देखते हुए करेंगे, या फिर कोई भी ऐसा किताब पर करिए जो कि अंतिम समय 15 से 20 दिन में आप रिविजन कर सकते हैं। सोल्यूशन की किताब आती है, लाख आप सोल्यूशन की बुराई कर लीजिए लेकिन हमेशा से इफेक्टिव रहिए, ठीक है। अगर 15 दिन में किसी किताब को ओवरऑल सारे सब्जेक्ट को रिविजन करना है, सोल्यूशन इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। आप कुछ लोग इस बात से सहमति नहीं रखते होंगे लेकिन मैं 100% कह रहा हूँ, हमेशा से कारगर किताब रहे, हमेशा कारगर रहेगी, ठीक है, क्योंकि 10 दिन में कोई किताब अगर कम पेज में ओवरऑल रिविजन के लिए, तो सोल्यूशन बेस्ट है, ठीक है, आप उसको कर सकते हैं। ओके ओके सर, कोई भी किताब ऐसा ओके पकड़ लीजिए सर, जो कि पूरे किताब में सारे सब्जेक्ट को कवर किया है और पतली किताब है, बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, वो लूसेंट अच्छी किताब है रिविजन करने के लिए। पेंसिल उठाइए, लूसेंट को रंगिए और उसको एक बार पढ़ के खत्म कर दीजिए, फिर नेक्स्ट ईयर दूसरा लूसेंट खरीदिए। हर साल खरीदिए, हम लोग तो 10 10 15 15 लूसेंट खरीदते हैं, मतलब मैं साल में दो दो लूसेंट खरीद लेते थे। जी। मतलब सर जैसा हाँ कुछ ये रहता है कोई कोई टॉपिक जिसमें अब मेमोराइज लास्ट समय करने में का रहता आप, है। हाँ बिल्कुल, हाँ तो वैसा तो आप पहले ही से पता होगा ना सर, हम मेरे पास कहाँ पे गलती हो रही है, किस टॉपिक को हमको मेमोराइज करनी है, पता होगा ना सर। अगर मान लीजिए हम कुछ टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा वित्त आयोग को रहा, ठीक है, फाइनेंस कमीशन पढ़ा, फाइनेंस कमीशन को लेके इशू है, मुझे लग रहा है इसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी पंचायती राज हमने पढ़ा लेकिन पढ़ तो लिया है लेकिन हमको लग रहा है इसे क्वेश्चन आएगा लास्ट टाइम में और मेरा यह है नहीं, तो आप उसको शुरू से ही मतलब उसको नोट डाउन करके रखिए, इस आखिरी के 15 दिनों में हमको क्या देखना है, आखिरी के 15 से 20 दिन जो आपके पास होंगे उस दौरान आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, तो उसको आप लोग छांट के रखिए, एक दिन बैठिए आराम से, ठीक है, जब आपके पास 15 20 दिन बच जाता है तो बैठिए, ठीक है, पी वाई क्यू पेपर को देखिए, मेमोराइज कीजिए, देखिए से कहाँ से प्रश्न आते रहे वैसे टॉपिक को नोट बना लीजिए, उसी टॉपिक पे काम कीजिए, वो आखिरी से 15 से 20 दिन का यही होता है तैयारी करने का, सबके पास अपना एक ब्लू प्रिंट होना चाहिए से किस मैटर पे हमको तैयारी करनी है। मैपिंग से मुझे कुछ बता दीजिएगा, कैसे मैपिंग कवर करना है। मैपिंग के लिए हमने बिहार के मैपिंग के लिए भी आपको दिया था, आज भी मैंने एक मैपिंग के लिए डाला था, उसके बाद मैपिंग के लिए और भी बहुत सारा चीज आता है, मटेरियल आता है, उस पर आप काम कर सकते हैं। माइंड बैंक की बात कर रहे हैं आप, मेंस के लिए? नहीं सर, जियोग्राफी वाला है फिर, या फिर वो नेशनल और पार्क वाइज जियोग्राफी। उसके बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। आज भी तो मैंने डाला था, फिर मैं डिलीट कर देता हूँ तो क्योंकि मैपिंग कॉपीराइट वाले में सर बहुत इंडिया आ में रही है ज्यादा, आजकल तो ग्रुप में। मैपिंग वाले में इंडिया वाला ज्यादा इधर आता है या फिर वर्ल्ड मैप वाला से रिलेटेड आता है। मैपिंग में बिहार से आपका प्रश्न पूछा जाएगा तो मेंस में तो आते हैं, जैसे मान लीजिए बिहार में पूछती है बाढ़ से बारे में पूछ दिया, आपदा के बारे में पूछ दिया, ठीक है, तो बिहार में आपदा प्रभावित क्षेत्रों को आप दिखा सकते हैं, ठीक है, तो उसको आप मैप में दिखाना होगा। फिर मान लीजिए किसी फसल के बारे में प्रश्न पूछा, ठीक है, उस फसल से मतलब कौन सा क्षेत्र मतलब संबंधित है वो आप दिखा सकते हैं, इसी तरह का मैपिंग का प्रश्न बनाते हैं। जैसे हम कुछ कॉपी दिखा रहे हैं जहाँ पे मैपिंग को लेकर क्वेश्चन बनाया है, मतलब अच्छा बनाते हैं, आप देख सकते हैं मेरे भी बैच में बहुत सारे हैं जो कि अच्छा मैप बनाते हैं, ठीक है। और रही बात अगर आपसे मैप अगर नहीं बन रहा है तो ऐसा नहीं कि उसमें सर फोड़ देना है, ठीक है, मैप अगर बना देते आपको 1-2 नंबर ज्यादा अच्छा मिल जाता है, नहीं बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपको साफ मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है, पार्ट मार्क्स कम मैप से कम बना दिया सकते जाएगा, हैं, मतलब इसलिए अगर बन रहा है तो एक ही बनाए, जबरदस्ती जैसे तैसे बनाने की कोशिश तो मत करें, पार्ट ठीक मैप है बना सकते हैं ना, अगर क्या। लिखना चाहे तो पार्ट पार्ट वाइज बना सकते हैं ना, मतलब हाँ हाँ मॉडर्न बिल्कुल इंडिया है बिल्कुल, तो हाँ हाँ बिल्कुल मॉडर्न बिल्कुल इंडिया बिल्कुल, का। हाँ हाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरे पास कुछ मटेरियल है, हमको प्रोवाइड आपको प्रोवाइड करवा देंगे, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। हाँ जी, हाँ, थैंक यू सर। आप ग्रुप में लिख दीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है, मैप मैप के बहुत सारे मटेरियल्स हैं मेरे पास, बिहार के ओके ओके सर, नेशनल इंटरनेशनल सब है।
और कोई डाउट्स रिगार्डिंग एग्जाम? हेलो सर, मेरी एक डाउट जी है। बताइए। मतलब अगर कोई टॉपिक पढ़ती हूँ मेंस रिलेटेड, जैसे समाजवाद, गांधीवादी, मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ लेती हूँ अच्छे से, जब मेंस लिखती हूँ तो वहां पे भूल जाती हूँ। दो चार लाइन लिखती फिर सुबह क्या था क्या था। और और इस यहाँ इसका मैं दो ही कारण है ना, आप मॉडल पेपर पढ़ने के बाद आंसर लिखने जाती है, ठीक है? मॉडल पेपर आप पढ़ती हो क्या? उसके बाद सोचती हो मॉडल पेपर पढ़ के मैं आंसर लिख लूँ, यही रीजन है ना? ठीक है, मतलब हाँ भूलने का जी सबसे बड़ा रीजन आप थॉरो पुस्तक को नहीं पढ़ रहा, ठीक है? या फिर गांधी इज्म पढ़ रहे, फिर नेहरू इज्म पढ़ रहे, तो आपके उसके विचारों को समझने के लिए काफी गहराई से उनको पढ़ना पड़ेगा, तभी उनके विचारों को लिख सकते हैं। क्योंकि गांधीवाद और नेहरू बात को मॉडल आंसर को समझ के तो नहीं समझा जा सकता है, उनके उनके थ्योरी में बात के लिए पूरा उनका जीवन का सारांश है। इसलिए एक बार गांधी नेहरू इन सबको बहुत अच्छे से मतलब पढ़ जाइए, ठीक है? थोड़ा पॉडकास्ट वगैरह आता है उनको समझिए, ठीक है? एक टीचर बता रहा हूँ, अगर उनके थ्योरी को समझना है तो मणिकांत सर नाम के एक टीचर है, यूट्यूब पे आपको मिलेंगे, ठीक है? गांधीवाद नेहरूवाद इन सबको बहुत अच्छे से समझाया है, उनको जरा समझिए, उनके विचारों को समझिए, उनके विचार किस प्रकार से प्रभावित हुए, तभी जाके आप लिख सकते हैं। किसी के भी विचार को लिखने के लिए मॉडल पेपर समझ के नहीं लिखा जा सकता है। हाँ, वो लिख सकते उनके द्वारा कार्य क्या किए गए, इसको आप आसानी से लिख सकते, गांधी के द्वारा किए गए कार्य। लेकिन गांधी के विचार को लिखने के लिए गांधी को समझना पड़ेगा, ठीक है? गांधी अपने आप में आप देखोगे तो एक दर्शन है। अब बिहार की यूनिवर्सिटी आप चले जाइए, मोतिहारी में चले जाए तो गांधी बाद वहां पे पढ़ाया जाता है, मतलब उस सब्जेक्ट से लोग ग्रेजुएट करते हैं, ठीक है? मास्टर होते हैं उन सब्जेक्ट से, तो समझ रहे हैं ना? तो मतलब बहुत बड़ी चीज है, उसको ऐसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, फिर आप बहुत अच्छा से लिख पाएंगे। और गांधीवाद से प्रश्न तो आते ही है, 8 नंबर में तो कई बार पूछा गया, बड़े प्रश्न भी पूछे जाते गांधी के विचार के ऊपर, ठीक है? तो थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा अच्छे किताबों को पढ़िए, उसके बाद ही आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, क्योंकि और रट के नहीं लिखा जा सकता है। पॉलिटी के लिए जैसे मेंस में होता है राजनीति, निर्देशक तत्व के बारे में, या फिर मौलिक कर्तव्य के बारे में, मूल अधिकार के बारे में, तो वो सब टॉपिक, तो ये टॉपिक पूरा याद करना होगा तभी तो लिख सकते हैं ना। जैसे मेरा ये हाँ थोड़ा फर्स्ट टाइम, सा, मतलब देखिए हाँ थोड़ा सा आपको मेंस याद के लिए। करना पड़ेगा, जब फंडामेंटल राइट आप लिख रहे हो, ठीक है? फंडामेंटल राइट लिख रहे हो तो फंडामेंटल राइट के कुछ आर्टिकल्स वगैरह उसको इंडिकेट, जैसे आप लिख रहे हो जैसे डीपीएचपी नीति निर्देशक सिद्धांत ही लिख रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो नीति निर्देशक सिद्धांत को सीधे दिया, उसमें गांधीवादी उदारवादी समाजवादी कुछ ऐसा बांटा नहीं है। लेकिन जब आप कॉपी पे लिखोगे तो उसको गांधीवादी आर्टिकल्स कौन सा है, समाजवादी कौन है, उदारवादी कौन है, ये सब आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन तो फिर ये भी सब आपके के पास लिए थी। सर ये बुक, आप इसके देखिए लिए वन कौन एंड सा ओनली से बुक पॉलिटी के वन एंड ओनली सॉल्यूशन है एम लक्ष्मीकांत, ठीक है? एम लक्ष्मीकांत समझिए एक नोट सी है, एम लक्ष्मीकांत के टॉपिक को अच्छा पकड़िए, ठीक है? वहां से मतलब चीजों को कंप्लीट कीजिए और उसको कॉपी पे लिखिए, लेकिन सेम टू सेम उतारना नहीं है। अब मान लीजिए किसी चीज को दिखा रहे उदारवादी को ही दिखा रहे, तो उसको माइंड मैप के थ्रू दिखाइए, अच्छे तरीके से दिखाइए, से भाई डीपीएसपी में उदारवादी ये है, समाजवादी ये है, गांधीवादी ये है, ठीक है? बहुत सारा कॉपी हमारे ग्रुप में आते हैं, मैं ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से देख सकती है, बहुत सारे कॉपी पे मैं रिमार्क करता हूँ, ठीक है? आप वहां से जरूर जुड़िए देखेंगे आप सर, लोग, ठीक है? देखती हूँ आप। हाँ ठीक है, मैं बहुत सारे कॉपी पे रिमार्क करता हूँ, लोग जैसे अच्छा लिखे रहते हैं, ठीक है? तो आप वहां से विजुलाइज करके भी आप सीख सकती है, ठीक है? और कभी डाउट हो तो ओके मुझे भेज सर, दिया कीजिए, मैं कुछ कुछ कॉपी रिव्यू भी कर दिया करूंगा, ठीक है? ओके तो थैंक यू वन एंड सर। सोल्यूशन पॉलिटी के लिए सिंपल सोल्यूशन है भाई, आपको एम लक्ष्मीकांत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? बिना उसके किए कोई सोल्यूशन नहीं, और 114 नंबर का पॉलिटी पूछा जाता है, इसलिए कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक है? एक अच्छे रास्ते से गुजरे तो ये आप अच्छा लिख पाएंगे। सर तो ये मेंस का तैयारी अभी तो टाइम है, कर सकते हैं ना 2 मंथ में, जुलाई से छोड़ सकते हैं पीटी के लिए फिर ध्यान। देखिए मेंस और पीटी कभी छोड़ा नहीं जाता है, ठीक है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ ये हो सकता है किसी को कम कर सकते हैं, किसी को ज्यादा कर सकते हैं, ये समझ में आता है। एग्जाम आपका प्रीलिम्स का एग्जाम अगर नजदीक आ जाए तो आप मतलब एक ही हाँ क्वेश्चन लिखिए, लेकिन प्रतिदिन लिखिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स आ गया था पूरा मेंस को छोड़ दिया, पीछे वाला जो मेरा मेंस का तैयारी था हाथ चल रहा था, अब प्रीलिम्स समाप्त हो रहा फिर हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों प्रक्रिया सतत चलनी चाहिए, ठीक है? तो एग्जाम जब नजदीक आ जाए, अभी जैसे क्या, अभी आप 60% प्रीलिम्स दे रही है, ठीक है? 40% मेंस पे दे रही है, 1 महीना के बाद 30% करना है, फिर जाके 25% कर देना, लेकिन उसको एकदम बंद नहीं करना है, एक ही क्वेश्चन को लिखना है, 8 नंबर का ही क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है? 7 नंबर का ही क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन प्रतिदिन एटलीस्ट एक क्वेश्चन हमको अंतिम अंतिम तक लिखना है, ठीक है? और ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स ओके क्या मेन, अगर वैसे आपको ज्यादा दिक्कत है ना, तो मेन्स प्रीलिम्स के रिलेटेड टॉपिक को मेन्स में लिखिए ना, इसे पता है प्रीलिम्स में ये टॉपिक आना है, ठीक है? पंचायती राज आएगा, ठीक है? यस सर, मान लीजिए जैसे राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं ना मेंस के लिए, अंतिम समय में मेरा मेंस का हाथ भी चलते रहेगा, प्रीलिम्स की तैयारी भी होती रहेगी।
तो वैसे उसी टॉपिक को यस छांट लीजिए, जैसे कौन सा टॉपिक मेंस और प्रीलिम्स में कॉमन पूछे जाते हैं, उसी टॉपिक अंतिम समय प्रैक्टिस करेंगे। थ्रू द मेंस हमारे प्रीलिम्स की भी तैयारी होती रहेगी, तो ये बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। मैं ओके सर, सिलेबस थैंक। आपको अवेलेबल करवा दूंगा, बहुत सारे सिलेबस है जो कि प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन सिलेबस है। अंतिम समय में आप लोग ऐसे सिलेबस को अटेम्प्ट कीजिए जो कि प्रीलिम्स और मेंस में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा कॉमन सिलेबस। और ये मैंने ग्रुप का लिंक दिया, आप लोग वहां पे जाके जुड़ कर देख सकते हैं। बहुत सारे कॉपी वगैरह आते रहते हैं, वहां पे मैं रिव्यू देते रहता हूँ, तो आप लोग वहां पे देख भी सकते हैं। प्रतिदिन आप सबमिट भी होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, उन्वेस्ट पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम फी में आपको करवाया जाता है। अटिल 70 BPSC तक आपकी ये बैच रहेगी, प्रीलिम्स और मेंस की कॉमन तैयारी इसमें आपको मिल जाएगी। और प्रॉपर अंतिम में इसमें मतलब 90 दिन की एक ऐसी तैयारी करवाई जाएगी, आपको प्रीलिम्स को सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, तो मेंस बैच में भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, काफी बढ़िया सबके प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी यहाँ पे हो जाती है। कॉपी वगैरह भी रिव्यू काफी 24 घंटा के अंदर में कहीं भी आपको रिव्यू नहीं देखने को मिलता होगा। आपको ग्रुप का नीचे लिंक दिया गया, आप लोग वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं। सर, आपका पेड क्लास में क्लास चल रहा है क्या सर? और कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग बीपीएससी बताइए। ठीक है सर, हाँ हाँ बताइए। हाँ हम बोल रहे हैं कि आपका पैड क्लास चल रहा है अभी। हाँ हाँ ये पेड क्लास नहीं है, पे डाउट्स के लिए मतलब रखा गया है, बीपीएससी के डाउट्स के लिए, अच्छा, नहीं आपका मेन ग्रुप डाउट्स में ऐसे क्लास हैं। नहीं हो रहा है? नहीं हम मतलब अदर एग्जाम को पढ़ाना बंद कर चुके हैं, केवल बीपीएससी की तैयारी, आप बीपीएससी का ही फोकस है। अच्छा, उसका अलग है? नहीं सर, ग्रुप। हाँ हाँ सब सब अलग है उसको। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। बिहार के लिए केबीसी नैनो और बिहार एक परिचय बुक इनफ है? बिल्कुल, केबीसी नैनो ही इनफ है। अंतिम समय में आप इम्तियाज अहमद से एमसीक्यू लगा के उसको और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, केबीसी नैनो अभी पढ़िए, जब आपके पास 15-20 दिन 25 दिन का जब समय बने तो इम्तियाज अहमद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनफ है। बाहर से 100% अगर बिहार से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, इम्तियाज अहमद और केबीसी से बाहर नहीं आएगा। मैं वीसी पे बोल रहा हूँ, 100% यही रहने वाली है। ठीक है, यस एक भी सर। क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। हाँ हाँ, बोल दे। बताइए। हाँ सर, हमको लगा नहीं कोई बोल रहा है इसलिए चुप हो गए। कह रहे नहीं सर, आ ये रही फुल आवाज आ टेस्ट, रही। हाँ सर, फुल टेस्ट जो चल रहा है उसमें निगेटिव काट के एटलीस्ट कितना मार्क्स आना चाहिए? मतलब तो मान सकते हैं कि मेरा प्रिपरेशन अच्छा है। कौन सा फुल टेस्ट, किसकी फुल टेस्ट, किस इंस्टीट्यूट की? IAS का जो टेस्ट हुआ है, हाँ, तो ठीक उसका है टेस्ट ना, है। 85+ आ रहा है, 90 के आसपास आ रहा है। ठीक है, अच्छा स्कोर है। ठीक है, 90 स्कोर, नहीं, अच्छा स्कोर मेरा है। सर मेरा 86-87 के आसपास जा रहा है, दो हाँ टेस्ट ठीक दिए है हैं ना, मैं। बढ़िया है वो, मतलब अच्छे स्टूडेंट्स का मार्क्स उसी के आसपास रह रहा है। अब जो रूटीन जो जो हम लोगों ने शेड्यूल जो शेयर किया उसमें 100+ है, तो 100+ मतलब पोर्टल अभी भी खुला हुआ है, बहुत सारे लोग ऑफलाइन प्रैक्टिस करके ऑनलाइन जाके मारेंगे तो पूरा पूरा भी आ जाएगा। 90 के आसपास जिनका भी स्कोर है ठीक है, राउंड अप 90 के राउंड अप स्कोर अच्छा स्कोर है। ठीक है, और सर 80-90 के बीच में है तो खराब नहीं ना मान सकते बहुत? नहीं नहीं ठीक है स्कोर है। ठीक है, आप देखिए, आप अभी यहाँ पे जितना स्कोर कर रहे हो ना एग्जाम में 5 नंबर ज्यादा स्कोर करोगे। ठीक है, हमेशा इस चीज का ध्यान में रखेंगे। अभी का जो आपका स्कोर जो यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज करेगा एग्जाम में 5 नंबर आपको हमेशा ज्यादा आएगा यहाँ से। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, डाउट्स नहीं है बट हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे सर। जैसे मैंने अपने सिलेबस को लगभग 4 से 5 बार रिवाइज कर रखा है, मतलब एनसीईआरटी मैंने 6 से 12 ज्योग्राफी खत्म कर रखा है, हिस्ट्री का खत्म कर रखा है, पॉलिटी खत्म कर रखा है, और स्टैंडर्ड बुक में 2 बुक खत्म कर रखा है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत और ये है क्या बोलते हैं उसके अलावा ये स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम हाँ, बाकी मैंने एनसीईआरटी किया और केबीसी नैनो। तो सर मैंने 3-4 बार रिवाइज कर लिया है अपने सिलेबस को, तो मैं सर सिर्फ टेस्ट के थ्रू रिवाइज कर रहा हूँ तो सही है? मतलब मैं अपना 4 से 5 घंटा टाइम बुक्स को रिवाइज के लिए दिया हूँ, और बाकी टाइम मार्केट में जितना भी टेस्ट है जैसे परम आईएस मार्केट का जो मार्केट में जितना टेस्ट है उस टेस्ट पे वो मत की वो रही है, सारा टेस्ट नहीं लगाना है, 1 से 2 टेस्ट पर कर लीजिए मैक्सिमम हमें। ठीक है, और इडुटेरिया की जो एनसीईआरटी वाली जो टेस्ट आई है ना, तो उसमें क्या हाँ करना है, थोड़ा छाटना है हमको। ठीक है, सारा कुछ नहीं पढ़ना, जिसमें से वर्ल्ड हिस्ट्री को निकाल दीजिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स का कुछ टर्मोलॉजी को हमको नहीं पढ़ना है, जैसे उसमें कुछ मतलब क्या बोलते हैं इसको, पॉलिटी में भी कुछ नहीं पढ़ना है। तो बाकी इडुटेरिया का जो से 17 टेस्ट है, हमने 17 को कंबाइंड करके भी आप लोगों को अवेलेबल करवाया था, मतलब 17 टेस्ट को एक जगह करके भी दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो उसका कर जाइए। नहीं ठीक सर है, वो, उसको अगर मान लीजिए, क्या हाँ सर, बताइए। जैसे मेरे कहने,
हाँ सर, मेरे कहने का मतलब है कि जो मेरे पास सोर्सेज है लिमिटेड मैंने रखा है, उसको मैंने 3 4 बार रिवाइज कर रखा है। अब उस सोर्स को हमको अभी से एग्जाम तक 3 4 5 बार और रिवाइज करना है, तो मेरा टाइम 4 से 5 घंटा जाता है कंटेंट को रीड करने में सर, मतलब जो हम खुद का बता रहे हैं। तो 4 5 घंटा हम अपना टाइम देते हैं अपने सोर्स को एक बार हम हर महीने रिवाइज कर लें। और दूसरा मेरा टाइम 4 से 5 घंटा जाता है कि टेस्ट देने में। तो जैसे मेरा स्ट्रेटजी है सर कि परम आईएएस का जो मतलब जो टेस्ट है सेक्शनल कंप्लीट हो गया, अभी फुल टेस्ट चल रहा है, तो उसका जो 33 टेस्ट है लगभग, वो जो टेस्ट चलेगा उसको 3 से 4 बार रिवाइज कर लेंगे, उस टेस्ट पे हम स्ट्रिक्ट रहेंगे। बाकी बाकी मार्केट में जैसे परफेक्शन आई है इसका, आपने पीडीएफ डाला हुआ है, चाहे जो भी टेस्ट मिल रहा है ना, तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से होता है ना कि हमको मतलब अलग अलग तरह का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, नए क्वेश्चन देखने को। जैसे परफेक्शन वाले टेस्ट में कुछ ऐसे रैंडम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जो बुक्स में वो फैक्ट्स नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एक अंदर से डेली लगाने पे होता है ना कि डर खत्म हो जा रहा है एमसीक्यू का, कि अब एक एग्जाम में एक फेयर नहीं रहेगा एमसीक्यू का कि कैसा भी पूछे हम इतना सारा क्वेश्चन लगा चुके हैं। हाँ बट मैं एक ही चीज पे स्ट्रिक्ट हूँ कि हमको 33 जो परम आईएएस का जो टेस्ट है उसको हमको 3 से 4 बार रिवाइज करना है, बाकी मैं टेस्ट कितना भी लगाऊं और मेरा जो कंटेंट है उस पर स्ट्रिक्ट रहना है। तो सर ये तरीका सही है ना कि कितना भी टेस्ट लगाए बट लिमिटेड टेस्ट को रिवाइज करें और अपने सोर्स को रिवाइज करें, मतलब इससे एक डर खत्म हो जाना, मतलब ये सही है सर कि हाँ मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप आप अपने बताइए। कंटेंट जो आपने पढ़ रखा है ठीक है वो मतलब सही है, उसी को रिवाइज करते रहिए। और अंतिम समय में स्पेशली जो है बिहार के करेंट बिहार और सॉरी करेंट अफेयर्स ठीक है दोनों को स्पेशली रिवाइज करनी है। और जो आप सेट लगाते हैं ना तो सेट का सोल्यूशन भी मतलब अच्छे से मतलब किया कीजिए, मतलब इंक्लूडिंग सोल्यूशन को रिवाइज करना है ठीक है। सेट के ऑप्शन तो है या साथ में मतलब सोल्यूशंस को भी ठीक है, क्योंकि सोल्यूशंस बहुत मायने रखता है, हाँ सोल्यूशन जो हो गया तो उसको भी साथ में करते जाना। सर ये सर परफेक्शन का जो टेस्ट सीरीज है उसमें मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा है ना जो बीजेपी कभी पूछेगी नहीं, इस तरह का रैंडम रैंडम क्वेश्चन पूछा है, तो वो तो एक हाँ वो एनसीईआरटी किया है पढ़ने ना, के बाद मतलब पीवाईक्यू परफेक्शन से देखना लाइन बाय होगा। लाइन मतलब उठा दिया है ठीक है। वो हिस्ट्री का मैंने करवाया था तो परफेक्शन से हुबहू लाइन, परफेक्शन बोल रहा हूँ स्पेक्ट्रम से हुबहू लाइन मतलब वो लिखा हुआ है ठीक है। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री तो पूरा उसके स्पेक्ट्रम से प्रभावित है ठीक है। 70-80 से 90% क्वेश्चन जो है मतलब आराम से स्पेक्ट्रम में आपको मिल जाएगा, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ रखा तो इजिली भी आप उसको अटेम्प्ट कर नहीं सर सकते एंशियंट हैं हिस्ट्री का उसको। बोल रहे हैं, क्वेश्चन टफ था उनका, हाँ उसमें रिसेंट मेरा हिस्ट्री का 90 क्वेश्चन रिसेंट सही हिस्ट्री है। से क्वेश्चन आपको कहाँ पूछता है? रिसेंट हिस्ट्री रिसेंट हिस्ट्री से क्वेश्चन कहाँ से रहेगा? बिहार से ही क्वेश्चन रहेगा, बौद्धिज्म पूछेगा, जैनिज्म पूछेगा, मौर्यन पूछेगा, गुप्ता पूछेगा। तो आप सब बिहार अगर पढ़ रहे हैं तो वहां से आपको रिसेंट हिस्ट्री इजिली कवर हो जाएगा। हाँ थोड़ा साउथ में चले जाते हैं विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी संगम से क्वेश्चन आ जाता है, यही सब क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए नहीं जनरली तो मेनली उनका जो जो आपका सर रिसेंट जो है से बिहार से कवर हो जाएगा। जैसे उनका जो फर्स्ट टेस्ट था ना, मैं उसमें एंशियंट मेडिवियल दोनों मिक्स था क्वेश्चन, वो हाँ दोनों हाँ का मिक्स बिल्कुल। करके एक एंशियंट था। तो सर अरे तो जैसे मेरे ठीक कहने का ये मतलब है ना, हाँ सर जो मेरे कहने का हाँ मतलब है ना कि मेरे पास जो बुक है उसको तो हम बार बार पढ़ेंगे, उसका फैक्ट कॉन्सेप्ट तो मेरे दिमाग में रहेगा ही, बट उसके अलावा जो आप परम आईएएस का टेस्ट है उसको तो हम रिवाइज करेंगे, बाकी मार्केट का जो टेस्ट है उसको लगाए रहेंगे ना और आंसर पढ़े रहेंगे, तो एग्जाम में एक रहेगा ना कि क्वेश्चन आएगा तो हम एलिमिनेट कर पाएंगे, उतने सारे एमसीक्यू को सॉल्व किए रहेंगे। तो हाँ बिल्कुल सही है। वही देखिए तो रही हाँ बात सेट में, भले आपको रैंडमली क्वेश्चन मिल सकता है ठीक है, लेकिन ध्यान में रखिएगा ठीक है एग्जाम में कभी भी रैंडमली क्वेश्चन नहीं रहे, एग्जाम में बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सेट वाले क्वेश्चन पूछते हैं, रैंडमली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो कहाँ से आएगा? उनको बनाना है 29 को सेट बनाना है, अब 29 × 150 क्वेश्चन कहाँ से सिलेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे? इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल उसका अजीब रहता है, सभी सेट में आपको मिलेंगे, लेकिन आप उसके लिए वो हमको उसे रैंडमली क्वेश्चन पे ध्यान उतना नहीं देना है। 5 से 7 क्वेश्चन हमको मिलेंगे ठीक है, हमारा जो प्रॉपर जो हमने जो पढ़ रखा है जो हमारा बेस है उस पे हमको काम करना है ठीक है, ना कि रैंडमली क्वेश्चन के हाँ पीछे वो एकदम पागल बनना है ठीक है। तो उसको स्किप कीजिए। जैसे सर सर मेरा प्रियोरिटी तो पहला होता है घटना चक्र का पीवाईक्यू, उसको हम जैसे अगर क्वेश्चन अगर हमको रिवाइज करने का प्रियोरिटी दिया जाए तो हम घटना चक्र को पहले प्रियोरिटी देखिए देंगे दो क्योंकि किताब इम्पोर्टेंट को वो है। हमेशा भले ही अब बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं ना वो नहीं रहा, प्रासंगिकता नहीं रही दो किताब का, लेकिन दो किताब जो है बिगिनर्स के लिए हमेशा हथियार रहा है रहेगा ठीक है। वो घटना चक्र पीवाईक्यू अपडेटेड इन एवरी ईयर ठीक है, हर साल अपडेट होती है साथ में आपकी लूसेंट, वो बेसिक किताब है ठीक है। दोनों दोनों का मतलब समझिए, वो समझ लीजिए क्या बोलते हैं पुराण समझ लीजिए ठीक है, वो करना ही अब करना वो है ठीक तो है। जो बेसिक है आपको करना ही करना है, शुरू में अगर आपने पढ़ाई शुरू किया उस समय भी करना है और एग्जाम से 15 दिन पहले भी करना है ठीक है, क्योंकि उतना ये शॉर्ट दोनों टर्म का का सर रिवीजन का ठीक है उससे अच्छा सर, तरीका नहीं है जी। ठीक है सर, सर लेकिन घटना बोलते हैं मैक्सिमम, हाँ सर मैक्सिमम लोग एग्जाम में जो तैयारी करते हैं ना वो लूसेंट के महत्व को नहीं समझते हैं, नहीं नहीं इसलिए नहीं बहुत गलत इग्नोर बात है, जो करते भी हैं। कहते हैं टॉपर्स लोग, देखिए टॉपर्स का बात सुनिएगा फिर आप, वो तो टॉपर्स बन गया आप नहीं बन पाइएगा ठीक है।
टॉपर्स रैंडमली सलाह सर। करते हैं और फालतू का सलाह करते हैं, इसलिए टॉपर्स को सुनना बंद कर दीजिए, टॉपर्स का वीडियो देखना बंद कर दीजिए। हमेशा एक अनसक्सेसफुल लोगों को सुनना चाहिए कंपेयर टू सक्सेसफुल लोग, ठीक है? जो भी बढ़िया टीचर सर आपको मिलेंगे बताइए। वो ठीक टॉपर्स है नहीं सर, होते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है सर। अभी जो आपने बताया घटना चक्र के बारे में, प्रीवियस ईयर बीपीएससी की जितनी भी हुई है तो उसके हिसाब से ना कंटिन्यू वाइज एक टॉपिक वाइज उस मतलब सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। बाकी आप भी जो यूट्यूब पे वगैरह क्लास छोड़ते हैं उससे भी बहुत केएनओ वाला या बिहार स्पेशल जो आप करते हैं तो उससे भी कर रहे हैं, तो वो यूजफुल है ना सर? मेरा जो YouTube का जो क्लास होता है, ठीक है, हम प्रीलिम्स का लगभग प्रॉपर क्लास हम YouTube पे अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल वो बिल्कुल है, बिल्कुल करंट देखते हैं अफेयर्स आप सर, वहां से बिल्कुल देखते कीजिए। हैं। करंट अफेयर्स आप परफेक्शन का करंट अफेयर्स को मैंने लगभग जनवरी से करा रखा है, ठीक है? किसी भी साइट पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? परफेक्शन आप गूगल पे भी हाँ सर्च कीजिएगा तो मेरा ही आएगा, ठीक है? प्रॉपर में मैं हाँ परफेक्शन हाँ के करंट अफेयर सीरीज वाइज यस में प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है? वहां से सर, प्रॉपर आपके करंट अफेयर्स आपकी हो जाएगी, ठीक आपकी सारी क्लासेस है? जितनी भी यूट्यूब पे अपलोड है सर वो देखता भी हूँ और लगता भी है कि हाँ ये ठीक है। बिल्कुल, मतलब जो क्लासेस में जो पढ़ाता हूँ, जो मैं अपने पेड क्लास के बच्चे को पढ़ाता हूँ, वही मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? तो मतलब खुद ही मैं उसको खुद भी कर रहा हूँ, मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, ठीक है? आप लोग चाहे सर तो एक वहां बार से आप शेयर लोग कर आराम से दीजिएगा विजिट कर प्लीज सर, सकते हैं, प्लीज बस सर, बहुत आप वहां यूजफुल से सर वीडियो क्लास में होती है। करंट अफेयर्स में थोड़ा डाउट था कि ये जो हेलो परफेक्शन बताइए। की एक तो मंथली मैगजीन आती है और एक वो लोग 70th बीपीएससी के लिए कुछ सीरीज निकाल रहे हैं 1 2 3 4 करके। वो मेंस एनालाइजर है, वो ओके मेंस एनालाइजर सर, तो करंट मेन से अफेयर्स तो के लिए मैंने तो दिया ही परफेक्शन। था आप लोगों ने, सब पेड कर दिया, लेकिन हम तो सब अवेलेबल करवाते रहते हैं आप लोग को। हाँ सर, तो करंट अफेयर्स के लिए परफेक्शन का मंथली मैगजीन इनफ होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनिए, आप यहाँ पे जाइए, सब मैंने अभी आपको लिंक दे रखा है ना, आप उसको खोलिए, उस लिंक को देखिए, खोलिए, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? जी सर, आपने जी देखिए, सर, आप मैंने आपको लिंक दिया अभी आपको, ठीक है? उसको खोलिए, देखिए कहाँ से आप लोगों को करना है, ठीक है? यहाँ पे लिंक पे आप लोगों ने क्लिक किया, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है? लिंक पे जी जी जैसे ही सर, जाएंगे तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, ठीक है? 9 महीना के करंट अफेयर्स आपको मैंने यहाँ पे अपलोड किया, बहुत ही प्रॉपर तरीके से ओवरऑल टोटल इसमें अपलोड किया, लाइन बाय लाइन करवाया हुआ, प्लस मेरा अपना फैक्ट है, सब कुछ है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है, आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जैसे ही जाइएगा आप यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है? सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, हमें इसमें बिहार करवाया हुआ, बिहार का भी तीनों सेगमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है? बिहार का तीनों सेगमेंट में क्या मिलेगा, कुछ नहीं करना, वीडियो आपको देखना भी नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, इसके लिए आप प्रॉपर टाइम दीजिए, आप घर में रख लीजिए, आप खाना बना रहे हो, कान में एयरफोन लगा हुआ है, ठीक है? आप यात्रा कर रहे हो कहीं पे, कान में एयरफोन लग रहा है, कहीं पे चल रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, वहां पे कान में एयरफोन लग, केवल सुन के ही आपका सब कुछ कंप्लीट हो सकता है, ठीक है? आप करंट अफेयर्स आप शुरू कीजिएगा, करंट अफेयर्स का वीडियो आपको इसी में प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है? केबीसी नैनो 70 बीपीएससी प्रीलिम्स, और एक करंट अफेयर्स का सीरीज में और भी लेकर आ रहा हूँ, जो एमसीक्यू का, जो कि दृष्टि से करवा रहा, काफी डीप सीरीज रहेगा, हाँ हाँ एक भी वो प्रश्न अच्छा आपका बताया। करंट अफेयर्स से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? अभी मैं मंथली के साथ साथ कल परसों से फिर वो सीरीज अपलोड होना शुरू हो जाएगा, ओवरऑल सब तो देखिए यहाँ पे करंट अफेयर, ठीक है? यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको 9 महीने के करंट अफेयर जो है सो आपको यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे 9 महीना के करंट अफेयर्स मिलेगा इसमें, इजिली वे में टोटल मतलब, ठीक है, सीरीज बाई सीरीज आपको यहाँ से आपको मिलेगा, जनवरी से है, ठीक है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीना का भी अपलोड है, ठीक है? 9 महीना का आप यहाँ से, आप इजिली वे में आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो बिहार का भी सीरीज है, बिहार का कोई सीरीज अगर आप लोग को ज्यादा बर्डन लग रहा है तो बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज जरूर देखेगा, ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा करवाया गया, अब मॉडर्न हिस्ट्री से 6 से 7 क्वेश्चन बिहार से आपको रहते हैं, ठीक है? 6 7 क्वेश्चन तो बिहार से आपको मॉडर्न हिस्ट्री के रहेंगे, ठीक है? बाकी तो लक्ष्मीकांत वगैरह भी मैं पढ़ा रहा हूँ, स्पेक्ट्रम भी पढ़ा रहा हूँ, स्पेक्ट्रम जिनको पढ़ने में बोरिंग लगता है थोड़ा, मेरा एक दो वीडियो को सुनकर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? अब बाकी एक सीरीज जो आपकी आएगी ना करंट अफेयर्स की, वो एमसीक्यू लेवल की आएगी, जैसे कि से परफेक्शन का जो करंट अफेयर्स आता है उसको हम लोग 15 दिन में खत्म कर देते हैं, मेरे पास बचता है 15 दिन, 15 दिन का सेम मंथ का हम लोग क्या करते हैं, दृष्टि आईएएस की जो आती है एमसीक्यू वाली विथ सोल्यूशन, ठीक है? एमसीक्यू का काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन भी होता है, सो भी हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है? इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, परफेक्शन आईएएस का जो करंट अफेयर सेट है उसका पूरा सोल्यूशन मिलेगा, साथ में हम अपने इंस्टीट्यूट परम आईएएस का भी सोल्यूशन यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है? विभिन्न टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन मिल जाएगा, और ऐसा नहीं कि वीडियो को आपको एकदम बैठ के सामने में एकदम ध्यान लगा के उसको देखना है, कहीं पर भी मोबाइल को रख दीजिए कान में, आज के समय में सब पे ब्लूटूथ होता है, पैकेट में फोन को रख लीजिए, केवल सुनते रहिए, सुन के ही आपका काफी अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ से हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि रैंडमली चीजों को नहीं पढ़ाया गया, ठीक है? सीरीज वाइज तरीके से पढ़ाया गया, ठीक है? क्लासेस भी है, तो क्या मंथली करंट को मैंने 12 से 13 दिन में खत्म किया है, ठीक है? एक मंथ का करंट के 12 13 वीडियो होगा, आप उसको यहाँ से आराम ठीक से है कर सर, सकते हैं, 9 महीना का इसमें आपको मिलेगा जी। ठीक है सर। कह रहे कि ये करेंट जो आपने वीडियोस बना रखा है ये परफेक्शन का, तो सर ये पढ़ के
आपका हम देखते हैं ना, तो मतलब बहुत कम इफर्ट्स में जल्दी कंटेंट को मतलब रिकॉल कर पाते हैं, नहीं तो बहुत ये मतलब होता है ना कि अपना लगा दिए, ईयरफोन सुन लिया, पढ़ लिए, तो एक होता है ना कि मतलब ज्यादा इफर्ट लगाना नहीं पड़ता याद करने के लिए वीडियोस के कारण। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाता भी हूँ, ठीक है, और साथ में कुछ अपना फैक्ट भी मुझे जो पता रहता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो भी मैं बता देता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें होता है जिसको मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि थोड़ा हिंदी की लैंग्वेज की टफ होती है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं ना, सीधे ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है, मतलब इंग्लिश में मटेरियल तैयार करते हैं और उसको सीधे AI से मतलब मदद से क्या हिंदी कर देते हैं। तो कुछ कुछ मतलब देखिए काफी संदिग्ध होगा, जो कि पढ़ने में काफी बोरिंग लगता रहता है, तो उसको थोड़ा आसान लहजे में मैं हाँ कोशिश सर, करता हूँ उसे शब्दों को समझाऊँ ताकि सब समझ सके, ठीक है। कह रहे हैं स्पेक्ट्रम वाले सीरीज को कंप्लीट कीजिएगा सर, मतलब उसको स्पेक्ट्रम अभी सीरीज जो कंप्लीट होगा, स्पेक्ट्रम मतलब का देखिए, स्पेक्ट्रम का देखिए, स्पेक्ट्रम बहुत लेंदी किताब है, सब कुछ पढ़ना तो नहीं है, तो मैंने 1857 पूरा कंप्लीट किया, जो कि हमारे मेंस के एग्जाम के मद्देनजर पूरा बहुत अच्छे तरीके से हमारा होना चाहिए। 1857 के बाद हमने सोशल कल्चर को कंप्लीट किया, ठीक है, मतलब सामाजिक संस्कृति वगैरह जो भी चैप्टर है, जिसमें जो भी समाज सुधारक के बारे में पढ़ना वो हमारे लिए जरूरी है। अभी जो सीरीज आपका चल रहा है उसमें मॉडर्न क्या बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री क्या बोलते हैं, गांधी चल रहा है, ठीक है, जिसमें 1920 से लेकर नहीं 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेके टिल द इंडियन उधर इंडिपेंडेंस मतलब वाला 1942 से लेकर 48 वगैरह पूरा घटनाक्रम आ जाएगा, मतलब समझिए कि पूरा प्रश्न जो रहेगा ना इसी चैप्टर से ही रहता है, ठीक है, 1885 से शुरू होता है और भारत की आज़ादी तक ही मतलब पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है, लगभग 166-167 पेज के मतलब मैंने अलग अलग कर दिया, सब चैप्टर को भी अलग अलग कर दिए, परफेक्शन के सारे चैप्टर को अलग अलग कर चुके हैं, ठीक है, जो हमारे बीपीएससी के एग्जाम के महत्वपूर्ण है उसी को हम लोग सोच रहे हैं खत्म करवा दे, ठीक है। तो मॉडर्न वाला सेगमेंट जो है परफेक्शन का, वो परफेक्शन बोल रहा हूँ स्पेक्ट्रम का, वो काफी अच्छा रहेगा और उसको सब आदमी को करना चाहिए, ठीक है। आज भी एक वीडियो गया होगा, उसको भी आप लोग देखिएगा, तो काफी बेहतरीन ढंग से हमने समझाया है, होप आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। और कोई डाउट गुड इवनिंग सर, डाउट सीबीआई के हेलो रहेगा या बाद में प्रिपरेशन और अभी DI के लिए देखिए मैंने क्या बोला सर, आपके पास 2 महीना का समय बचेगा, ठीक है, 2 महीना का समय जो आपके करंट के लिए रखिए DI की रखिए, मैंने करंट को क्यों बोल रहा हूँ छोड़ने के लिए, अगर मान लीजिए आपने अभी से ही करंट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या जरूरी है अंतिम समय में आपके पास 2 महीना जो बचेगा उसमें कोई करंट की घटना नहीं घटेगी, उसमें भी बहुत सारी घटना घट सकती है, तो आप प्रीलिम्स दे दीजिए, उसके बाद मेंस के लिए करंट एक सब्जेक्ट बचा के रखिए ना, आपके पास 2 महीना का समय है तो एक सब्जेक्ट बचा के रखिए, साथ में अपना DI रखिए, DI का मैं क्लास लेकर आऊंगा, प्रॉपर DI में करवा दूंगा यूट्यूब पे, DI के लिए LK झा की किताब आती, मैं पूरा LK झा की किताब करवाने वाला हूँ, ठीक है, LK झा की जो नहीं, कम्प्लीट किताब आती नहीं है मैं ठीक है पूरा सर, LK झा की आप किताब बहुत करवाऊंगा। बहुत हेल्पफुल क्लास लेते हैं जो भी पढ़ाते हैं सर, लगता है कि इम्पोर्टेंट है। और एक उम्मीद है सर DI का जो आपने बोला वो, प्लीज सर आप जितना जल्दी कर सकें हम लोग मैं देखते LK हैं। जाके पूरा क्लास में करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन मैं LK जाके करवाऊंगा, कंप्लीट बुक करवाऊंगा, या तो इडुटीरिया करा दूं जैसा आप लोग बोलेंगे, या फिर LK जा करवा दूं, ठीक है, LK से पुराने हैं तो बोलेंगे तो उनका करवा दूंगा, या फिर इडुटीरिया बोलेंगे तो इडुटीरिया करवा दूंगा, लेकिन पूरा कंप्लीट किताब में करवाऊंगा, डोंट वरी, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोग के साथ, पूरा 72 नंबर जो होगा अपना होगा। और बताइए, सर हेलो सर, नमस्ते जी नमस्ते, सर। मैं ये बोल रहा था कि मैंने मार्च के एंड में ही तैयारी शुरू की थी BPSC 17वीं के लिए। तो जी सर मैं अभी तो मतलब अपना कंटेंट इम्प्रूव कर रहा हूँ और जो बेसिक NCERT है वो सब कवर अप कर रहा हूँ। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब जैसे मैं NCERT पढ़ता हूँ ना, तो मैं उसके A4 पेजेस में शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलता हूँ, ठीक है। लेकिन ठीक जो है, जो मेन जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम या आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया, सर इतनी बल्की बल्की बुक्स के तो नोट्स बनाने सर पॉसिबल नहीं है। अगर तो आप उसके बीपीएससी के लिए बात कर रहे हैं तो नितिन सिंघानिया जरूर नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हैं, बाकी स्पेक्ट्रम ठीक है, स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम का नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं, स्पेक्ट्रम खुद ही नोट्स है, ठीक है, स्पेक्ट्रम ने क्या किया है, मार्केट का दो तीन बिपिन चंद्रा हो गया जो कि पुराना NCERT है हमारा, वर्तमान के NCERT सारे को मिला के स्पेक्ट्रम खुद ही एक नोट्स है, किसी भी अच्छे टीचर से पूछे तो स्पेक्ट्रम को नोट्स ही मांग के चलता है, बुक नहीं है वहां के पॉइंट पे हुआ, आप किसी भी चीजों के देखे स्पेक्ट्रम में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ, बहुत वाइडली एक्सप्लेन है किसी चीज को, हर टॉपिक का देखिएगा ऐसे मतलब 100-150 वर्ड में हर टॉपिक को कंप्लीट कर दिया, किसी भी टॉपिक को खत्म कीजिए, मतलब टॉपिक का मतलब छोटा छोटा पॉइंट सबको कम शब्दों में मतलब
सोचा है उसको वो कर दो, कंप्लीट कर दो, तो खुद ही वो नोट से, उसका नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको पढ़िए दो बार तीन बार पढ़िए अच्छे से, वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। वहां से जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको कुछ चीजों को लिख सकते हैं, ना कि पूरा किताब को नोट्स हम लोग बना सकते हैं। सर एक चीज और मेरे को जी हमेशा एक चीज की मतलब प्रॉब्लम रहती है ये कि सर ये जो बिहार स्पेशल जो बोलते रहते हैं मतलब जितने भी हमारे जीएस के सब्जेक्ट है उसके रिलेवेंस में, ठीक है, तो जी सर बिहार स्पेशल में सर हम लोग जो स्टैटिक पोर्शन है उसको तो हम क्राउन की बुक से मैं कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे, जैसे 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 ज्योग्राफी कम्प्लीट हुआ तो मैंने क्राउन से बिहार की ज्योग्राफी भी अपने स्तर पे मैंने कम्प्लीट कर लिया। सर जो ये डायनामिक पार्ट है बिहार का सर, इसको मतलब समझ में नहीं आता कि मतलब एक जो होता है ना सेटिस्फैक्टरी प्रिपरेशन के लिए जिससे अपने आप को ये संतुष्टि हो जाए कि हाँ मैंने अपने तरफ से 100% कर लिया, तो लिमिट आपने पोर्शन क्राउन के बुक की। पढ़ा है, ठीक है, केबीसी नैनो आपने पढ़ा है क्या कभी बिहार के लिए? नहीं सर नहीं पढ़ा है मैंने केबीसी नैनो। एक बार केबीसी नैनो देखिए, ठीक है, फिर आपको ठीक है मतलब काफी अच्छा लगे कंपेयर टू क्राउन्स। क्राउन्स में कुछ फैक्ट भी गलत है, पहले मैंने मैंने भी कुछ दिन क्राउन्स पढ़ा, लेकिन कुछ मुझे गलत लिखे, खास करके जब मैंने उसका सॉरी एनिशेंट हिस्ट्री प्राचीन बिहार ही मतलब हराना शुरू किया था, उसमें मुझे बहुत सारे फैक्ट गलत मिलना शुरू हो गए, ठीक है, तो फिर मैंने उस किताब को स्किप कर दिया था। इसलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ केबीसी नैनो। केबीसी नैनो पढ़ने से एक दो दो तीन चीज आप में सुधार क्या होगा पता है? आपको किसी भी क्वेश्चन का भूमिका लिखना, जो इंट्रोडक्शन जो होता है वो लिखना बहुत अच्छा आ जाएगा। केबीसी नैनो के हिस्ट्री का है या फिर ज्योग्राफी का, एवरी क्वेश्चन का आप उसका ना इंट्रो चेक कीजिएगा, जहां से चैप्टर की शुरुआत होती है, इतना बढ़िया लिखे हुआ है ना, तो उससे थोड़ा आपका मेन्स इम्प्रोवाइजेशन भी आपकी होती है उस पुस्तक से, ठीक है, उसके प्रीलिम्स और मेन्स दोनों के लिए आती है, ठीक है, इसके लिए दोनों हाँ अलग अलग आती है। दोनों आती, दोनों आती, एक ग्रीन बुक होगी आई थिंक, एक से रेड आती है, ठीक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन दोनों के लिए आती है, ठीक है, और उसको एक बार कंसीडर कीजिए, ठीक है। मेरे पास प्रीलिम्स का होगा, हम लोगों ने पीडीएफ भी बनाया था, सबको अलग अलग कर दिया था, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, थोड़ा सा देखिए, ठीक है, आपको काफी अच्छा लगेगा। मैं बिहार के लिए सबको कहता हूँ केबीसी ले लो, ठीक है, दूसरा किताब देखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो 1100 पेज का मनीष रंजन भी है, लेकिन फिर उतना क्या ही कर पाएंगे, ठीक है ठीक है धन्यवाद सर, मैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी हमने पूरा केबीसी नैनो पढ़ा रखा है, ठीक है, आप देखेंगे यूट्यूब एक बार विजिट कर लीजिएगा, आप लोग वहां पे मिल जाएगा, ठीक है, और इस ग्रुप में आपको मेंस की कॉपी भी आते रहती है, जो ग्रुप का लिंक जो दिया हुआ है उससे भी आप लोग जी विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग को लगता है प्रॉपर अभी में अगर मेंस की तैयारी करनी है तो हमारे मेंस ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं, जो कि बहुत ही कंपेटिटिव वे में आपको बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे तरीके से प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर करवाई जाती है। केबीसी साथ में हम लोग में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। क्या दोनों 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 में आती है, केबीसी दोनों में आती है, बोथ लैंग्वेज, ठीक उसको है, जल्दी मतलब तुरंत ही ले लेने की कोशिश करूंगा सर। ठीक है सर हाँ बिल्कुल, एक पहले आप देख लीजिए, उसका हिंदी वर्जन मैं भेज दूंगा, मेरे पास हिंदी वर्जन है, ठीक है, ठीक है सर मैं भेज दूंगा उसको, उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है, बहुत बहुत बेहतरीन बनाया के विषय ने। और किन्हीं लोगों का कोई क्वेश्चंस? बाकी ग्रुप ओपन है, किसी भी तरह किसी भी क्वेश्चन को आप राइज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। ज्योग्राफी के लिए सर ये दृष्टि वाला से हो जाएगा काम, या कोई डिस्ट्रिक्ट है क्या? ये दृष्टि का मैं सर ये शॉर्ट नोट्स का टाइप का है ना सर। अगर डिस्ट्रिक्ट का पढ़िएगा तो फिर बिहार के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा ना, दिक्कत ये हो जाता है ना, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का पढ़ने से जो बिहार के कॉन्सेप्ट मद्देनजर नहीं बनाती है तो दिक्कत हो जाता है, फिर नेशनल पढ़िए उसे, इंटरनेशनल उसे पढ़िए, और फिर बिहार के लिए दूसरा पर शिफ्ट हो जाइए। इसलिए मैं कहता हूँ केबीसी नैनो पढ़िए, उसमें ओवरऑल कंप्लीट कर दिया, भारत का भी है उसमें, ठीक है, मतलब कुछ कुछ चीजें, सारी कुछ तो नहीं, और बिहार भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा बिहार के लिए ज्योग्राफी अलग से, ठीक है, आप कहीं से भी पढ़िए, बिहार के लिए ज्योग्राफी के लिए आपको केबीसी पे आना ही पड़ेगा, फिर कोई भी बिहार का किताब पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी का ठीक ठाक वेटेज होता है, अच्छा तो उसमें क्वेश्चन भी दिया प्रैक्टिस के लिए, मतलब मतलब नहीं समझे? हाँ ये पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाने के लिए भी दिया हुआ है हाँ इंग्लिश के क्वेश्चन अलावा। दिया हुआ केबीसी, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन केबीसी में हर चैप्टर के बाद मतलब जैसे पूरा ज्योग्राफी खत्म है 250-250 क्वेश्चन होगा, वो उतना यूजफुल नहीं है, तो उसके लिए आपका है ना, उसके लिए इम्तियाज अहमद है ना, उसके लिए अच्छा इम्तियाज अहमद है क्वेश्चन के लिए, इम्तियाज हाँ इम्तियाज अहमद क्वेश्चन के लिए, इम्तियाज अहमद की किताब आती है पतली सी आती है, ज्यादा मोटी किताब नहीं है, ठीक है, 15 से 20 दिन के अंदर में उस किताब को आराम से अच्छे से रिवाइज करके आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है, और प्रश्न हूबहू आ जाते हैं वहां से, इशू नहीं है। ऑब्जेक्ट ठीक और बताइए एनी डाउट्स रिगार्डिंग एग्जाम?
हेलो जी बताइए। बोले सर, हिस्ट्री के लिए क्या सोर्स फॉलो करना चाहिए? हिस्ट्री के लिए तो मेनली आपको जो ध्यान देना है मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान देना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छा खासा आपको वेटेज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और बाकी बिहार के हिस्ट्री के लिए केबीसी ने, और साथ में किसी किताब का मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते तो पढ़िए, नहीं तो और मैं दो तीन सोर्स आपको बता दूंगा, मैं शेयर करूंगी किताब, वहां से आप कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, बिहार के हिस्ट्री के लिए आप एक बार केबीसी नैनो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि बिहार के हिस्ट्री में आपको एनिशेंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो कॉमन हो जाता है, ठीक है। लेकिन बिहार के हाँ मेडाइवल, ठीक है, बिहार के मेडाइवल और मॉडर्न, स्पेशली खास करके मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आप चाहे तो केबीसी नैनो का हिस्ट्री का दोनों सेगमेंट स्किप कर सकते हैं, ठीक है। एनिशेंट स्किप कर दीजिए अगर ज्यादा दिक्कत है, मेडिवल में तो कुछ है नहीं विषय, ठीक है। लेकिन मॉडर्न आपको पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न आपके लिए बहुत जरूरी है। वो केबीसी नैनो को ही फॉलो करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, केबीसी नैनो को फॉलो कीजिए, अच्छी किताब है, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से उसने दे रखा है, ठीक है। तो बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप वहां से और पढ़ के बहुत अच्छे तरीके ये से कर सर सकते हैं। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या इस पे क्या कहते हैं, बिपिन चंद्रा या? स्पेक्ट्रम ठीक है, इंडियन मॉडर्न के स्पेक्ट्रम देखिए, मैं इसलिए स्पेक्ट्रम कहता हूँ ना पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए प्रीलिम्स में चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए भी तो आपका मददगार है ना। 114 नंबर का मेंस में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप उसको मतलब क्या पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा एक बार स्पेक्ट्रम पढ़िए उसको। मैं तो करा रहा हूँ क्लास में, आप तो पेड में भी हो तो आप तो ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, ज्वाइन किया कीजिए, ठीक है, आपको वहां से हो जाएगा। बिल्कुल वो सही रहेगा, बिल्कुल सही तरीका है, क्योंकि एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं ना, ठीक है, एक बार स्पेक्ट्रम को पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आपको करेगा कहाँ पे, तो आपको मेंस में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और आप तो मेंस लिख भी रहे हैं, तो लिखने के दौरान भी आप पाएंगे से आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। बाकी सबके लिए तो है ही, आप हमारा उमेश बैच को ज्वाइन कीजिए, और मतलब आप देखेंगे तो अंतिम समय में इसको आप एक क्या देखने को मिलता है, एक आपको यहाँ पे आपको अभ्यास बैच भी मिलेगा, कुछ नहीं उमेश में प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू सबकी तैयारी आपको एक जगह से हो रही है, ठीक है। 100 रुपया के भी मंथली फी से कम, ठीक है, 1199 फी है, जहाँ पे कंप्लीट तैयारी है प्रीलिम्स और मेंस की, ठीक है। उत्कर्ष में केवल मेंस से राइटिंग है, जहाँ पे आपको GS1 GS2 SC के साथ साथ स्टेटिक्स पोर्शन को भी कवर किया जाएगा, ठीक है, एवरीथिंग से इसमें। और इसमें इसी के अंतर्गत आपको अंतिम समय का अभ्यास बैच मिलेगा, जिसमें आपको ओवरऑल मतलब अगर आपने कभी भी तैयारी भी नहीं की, ठीक है, 100 दिन आपकी तैयारी, 100 दिन के अंतर्गत ओवरऑल प्रीलिम्स के सब कुछ को कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप ठीक ठाक स्कोर कर पाए प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। ये सब कुछ आपको उन्मेष में मिल जाएगा, और लगभग 70 BPSC मेंस तक इसकी वैलिडिटी आपको मिलेगी। आप लोग चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और 200 से ज्यादा लोगों ने, 250 से अधिक लोगों ने मतलब इसको ज्वाइन किया, इस बैच को, ठीक है। चलिए, यार कोई डाउट है कि बंद किया जाए, ये क्लास कितने बजे बाकी से जो होता है सर? ये पेड ग्रुप में सर बोले? ये क्लासेस आपकी होती है 9:15 बजे से, 9:15 और 9:30 के बीच में, अप्रोक्स 9:30 के आसपास होती है, आज भी 9:30 बजे से होगी, ज्वाइन सर कीजिए 9 बजे? इसको, काफी बढ़िया से इसमें चल रही है। हाँ ओके बाकी क्या सर, साइंस छूट रहा है सर, साइंस से बायोलॉजी तो साइंस हम सबके समझ रहे हैं, ठीक है, साइंस समझ रहे हैं छूट रहा है, ठीक है, लेकिन साइंस से जल्दी इंक्लूड किया जाएगा। अभ्यास बैच जो मेनली जो होगा ना, जो कि दिन में जो चलेगा, मेनली उस पर साइंस को ही फोकस हम लोग करेंगे, ठीक है, वो जल्दी मेनली जो होगा साइंस पे ही फोकस होगा, उसमें चिंता मत कीजिए। सर, करंट अफेयर के लिए कौन सा मैगजीन बेस्ट रहेगा? मेरा तो पता चल, ठीक, करंट अफेयर्स के लिए कुछ नहीं करना है आप, परफेक्शन है इसका, जो मैगजीन आती है वो देख सकते हैं, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का मैगजीन देखिए, अच्छी होती है, जिसमें बिहार के कॉन्सेप्ट को कवर किया हो, अगर बिहार को कवर किया हुआ है तो आप ठीक है, आप उसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखे मैगजीन पढ़ने के बाद फिर आपको बिहार के लिए अलग से ना पढ़ना पड़े, ठीक है, मतलब बिहार इंक्लूड होना चाहिए, वैसे किसी मैगजीन से आप तैयारी कर सकते हैं। सर, निबंध लेखन के लिए क्या करना होगा? निबंध लेखन के लिए हम लोग एक बैच लेकर आ रहे हैं, आप उन्मेष बैच में भी आ सकते हैं, इसमें निबंध भी शामिल है, ठीक है। जल्दी 25 तारीख से जो बैच शुरू होगा, 1 तारीख से निबंध शुरू होने वाला है, ठीक है। 0 लेवल से आपको निबंध लिखना सिखाया जाएगा, GS1 GS2 के साथ निबंध भी इसमें शामिल है, ठीक है, साथ में स्टेटिक्स भी शामिल है। आपको अगर आपको हमारी कॉपी चेक करने के तरीका को देखना है, तो कॉपी वाले ग्रुप का नीचे लिंक दिया होगा, आप उसमें जाइए, देखिए किस तरीके से बच्चे लिखते हैं, ठीक है। दो लिंक आपको दिया हूं मैं, एक कॉपी वाले ग्रुप का लिंक है, एक यूट्यूब का लिंक है, ठीक है, आप वहां पे जाइए, खुद देखिए किस प्रकार से बच्चे लिखते हैं,
और कितना इम्प्रूव हुआ है, आप ग्रुप में ओपन ग्रुप में मैसेज करके किसी से पूछ भी सकते हैं, ठीक है। सब जीरो लेवल से शुरू किए हैं, लेकिन काफी अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है। चलो मैं करवा रहा हूँ तो उनका रिस्पॉन्स मुझे उधर से मिल रहा है, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आपका जीरो लेवल भी है, बहुत अच्छे तरीके से GS1 GS2 इंक्लूडिंग निबंध की आपकी तैयारी करवाई जाएगी। इसमें क्लासेस भी शामिल अच्छी चीजें, जैसे केवल ऐसा नहीं कि मैं आपको PDF दे रहा हूँ, मॉडल आंसर राइटिंग दे रहा हूँ, 24/7 आपको गाइडलाइंस मिला है, मेंटरशिप, प्रॉपर मेंटरशिप क्या होता है, प्रतिदिन आपके VC होती, पॉडकास्ट होती, आप मुझे नंबर पे कभी भी फोन कर सकते हैं, और ये आपका 70 BPSC तक रहेगी, ठीक है। इस एग्जाम में सबसे बड़ा क्या होता है ना सर, आपके पास एक मेंटर जरूर होना चाहिए, कोई आसपास के लोग हो, आपके परिवार में किसी ने मतलब एग्जाम दिया है, फिर अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेलेक्टेड लोग, ठीक है, सेलेक्टेड लोग कभी भी बहुत अच्छा मेंटर नहीं हो सकता, ये बात भले ही किसी को खराब लगे, लेकिन आप अपने इसको एग्जाम करके देखिएगा, वो बहुत अच्छा मेंटर नहीं होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हमेशा वैसे लोगों चुने जो मतलब तजुर्बा रखते हैं, ठीक है, जिसको एग्जाम के बारे में अच्छे से पता होगा, वो बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। माइंड बहुत डाइवर्ट तो होता है सर रियली। बिल्कुल हाँ, और तरह तरह के टॉपर्स को सुनेंगे ना, तो आपको इतना सोर्स बता देंगे ना, पता चलेगा अभी जिसको सुनकर आया ना वो उसको गलत बता रहा है अगला वाला, ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो जी सर जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है। तो इसीलिए उन लोगों को सुनना बंद कीजिए, ठीक है, खुद का सुनिए, ठीक है, खुद खुद का जब वो करेंगे ना, खुद का आकलन करेंगे, उससे अच्छा कुछ नहीं होता है, सेल्फ एवुलेशन हमेशा बेस्ट होता है। सर मेरा एक डाउट था, उसको थोड़ा क्लियर कर लेता जी, बताइए। सर। जैसे बहुत सारे यूट्यूब में सुनता हूँ कि 6 से 12 तक NCERT पढ़ा जाए, या डायरेक्ट स्पेक्ट्रम या एम लक्ष्मीकांत का पढ़ा जाए, मतलब उसमें क्या, मतलब क्या NCERT शुरू से 6 से 12 पढ़ना क्या मैंडेटरी है? देखिए मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन एक है लोग पढ़ते हैं, बेस ठीक ठाक हो जाता है NCERT पढ़ने से, ठीक है, अच्छी बात यह है। लेकिन आप मान जी लीजिए, आप 6 महीना हमारे पास समय रहेगा, मैं 6 महीना कहाँ से, 6 महीना है अभी हमारे पास नहीं, 6 महीना भी नहीं, 4 महीना समय हमारे पास रह गया। अब ऐसे कंडीशन में NCERT पढ़े तो नहीं हो सकता। बहुत लोग NCERT का शॉर्ट नोट्स बोलते पढ़ने के, लेकिन NCERT पढ़ने का मतलब है प्रॉपर किताब पढ़ना चाहिए, पेंसिल के साथ बैठ के अंडरलाइन करते हुए प्रॉपर किताब पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों को काफी है उबाव लगता है, ठीक है, नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन अभी अभी के एग्जाम के ध्यान में रखते हुए हम आपको एक सजेशन देना चाहेंगे, ठीक है। जी आप देखो अभी के एग्जाम के मद्देनजर देखते हुए आपको देखते हैं, यूटीरिया की एक सेट आई है, ठीक है, इसमें जी 17 सेट है टोटल, मैंने अवेलेबल भी करवाया था। उसने क्या किया, 6 से लेके 12 तक NCERT के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसको उसने कवर कर दिया है, ठीक है। अगर अभी जी जिनको लगता है एग्जाम देना है हमको, आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा, लग रहा है जैसे NCERT नहीं पढ़ रहे तो भाई कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं मिला, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए उस सेट को कर जाइए, उस सेट को अच्छे से रिवाइज कर दीजिए, लगभग उस सेट के थ्रू आपका NCERT हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक तो सोल्यूशन और भी बता रहा हूँ, ठीक है, DSTIS की एक MCQ की किताब आती है, ठीक है, जी उसने भी मतलब क्या किया, चैप्टर बाय चैप्टर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है उसको उसने कराया है, ठीक है, इंक्लूडिंग उसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं क्वेश्चन के साथ केवल MCQ नहीं है, MCQ के नीचे अच्छे खासे सॉल्यूशन अवेलेबल है, उसको भी करके NCERT के लगभग 100% तो मैं नहीं कहूंगा सबका कवर हो जाएगा, लेकिन 60-70% आप जरूर कवर कर लेंगे, ठीक है, आप ये कर अच्छा सकते हैं, ठीक है। तो नहीं ओके कहते सर हैं ना, नहीं पूरा हुआ तो कुछ तो हुआ, तो वही वाला जी है, यहाँ से आप लगभग 60-70% चीज को कवर कर सकते हैं, और ये आसान तरीका है, अब बोरिंग बोरिंग भी आपको नहीं लगेगा जी जी, ठीक है। तो क्लोज करते हैं, बाकी जो जानकारी होगा ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आप लोग उनमें को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे प्रीलिम्स मेंस की बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, एक बार जुड़कर इसमें देखिए, फिर अपने आप को खुद ही आप दूसरे को भी सजेस्ट आप लोग करेंगे, ठीक है। बाकी जो ग्रुप के लिए 2 चीज मैंने बोला था उसको आप लोग को, एक कॉपी वाली ग्रुप का आप लोग ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे बहुत सारे मेंस की कॉपी आती है, जहाँ से आप लोग खुद को आकलन कर सकते हैं। और यूट्यूब पे जो मेरे द्वारा जो क्लास जो लिया जाता है, ठीक है, जो कि पेड क्लास ही होती है, जो यूट्यूब पे आपको जाता है, वहाँ पे आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे प्रॉपर स्पेशली करेंट अफेयर्स यहाँ से आप जरूर कीजिएगा मेरे चैनल के थ्रू। चलिए थैंक यू, बीच बीच में हम लोग इस प्रकार का सर, एक पॉडकास्ट लास्ट लाते क्वेश्चन का रहेंगे, जहाँ पूछना पे था हम सर, एक लास्ट क्वेश्चन जी जी बताइए। सर। जैसे लक्ष्मीकांत जैसे मैं पढ़ा, तो PT के लिए, और जैसे सब लोग बोलते हैं कि लास्ट एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो फिर उसमें रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो शॉर्ट नोट्स बना लो, तो प्रीलिम्स के लिए बनाना चाहिए या देखिए मेंस के प्रीलिम्स के कौन? लिए तो पहली बात तो मैं कह रहा हूँ लक्ष्मीकांत, आपको BPSC के प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चलेगा, ठीक है, BPSC के प्रीलिम्स का ज्यादा वेटेज नहीं होता पॉलिटी में, लेकिन लक्ष्मीकांत मैं इसलिए लोगों को सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज 114 नंबर का आपका पॉलिटी पूछता है मेंस में, ठीक है,
उसके लिए फिर आपको डिटेल पे पढ़ना जरूरी हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए रश्मिकांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल किताब पढ़ के भी प्रीलिम्स का एग्जाम दे सकते हैं। हालांकि 69 में एक वो क्वेश्चन तो पूछ है। दिया जो कि मतलब लुसेंट वगैरह में जो कॉलेजियम सिस्टम पूछ दिया, किसने नहीं थोड़ा यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछा। कितना क्वेश्चन पूछता है? 6-7 क्वेश्चन पूछता, 2-3 क्वेश्चन तो बहुत आसान पूछा था, ठीक है, एक जी दो सर, क्वेश्चन टफ पूछ दिया। तो उसके लिए प्रीलिम्स के लिए ये सोच के हमको नहीं करना है, हमको क्या बोलते हैं, एम लक्ष्मीकांत को हमको अच्छे से इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारा मेंस का भी एग्जाम हमें देनी है, केवल प्रीलिम्स तो क्लियर करनी नहीं है। और वहां पे एक नहीं सौ सर, चौदह नंबर यूपीएससी और का आपका बीपीएससी दोनों, 2025 पूछा में मैं जाता है। यूपीएससी भी शायद देना चाह रहा था, इसीलिए यूपीएससी के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यूपीएससी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रीलिम्स के लिए अच्छे से क्वालिटी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जी सर। तो लेकिन दोनों के लिए बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स मतलब की अल्प इसका, कंबाइंड हाँ तब नोट्स ठीक होना है। चाहिए या अलग अलग होना चाहिए सर? नोट्स भी कहीं अलग अलग होता है, ठीक है, नोट्स हमेशा एक ही होता है, ठीक है। नोट्स आप, नोट्स में आप क्या चीज डालते हो, जो आप जिस पे आपके कमांड नहीं है, ठीक है, उसी को ना डालते हो आप नोट्स पे, जो जी सर, आपको नहीं आ रहा है या फिर जो लग रहा है आपको महत्वपूर्ण है उन मुद्दों को डालते हैं। तो नोट्स आप अपने हिसाब बनता है, न कि एग्जाम के हिसाब से नोट्स बनता है, अकॉर्डिंग टू यू अपने हिसाब से नोट्स बनाए। हाँ टॉपिक को छोटा बड़ा किया जा सकता है, चलो बीपीएससी में नहीं आएगा या यूपीएससी में नहीं आएगा, लेकिन नोट्स अप्रोच टू यू, आपको अप्रोच करके नोट्स होनी चाहिए। थैंक यू सर। जी चलिए ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग जल्दी, और एटलीस्ट कोशिश करूंगा से 15 दिन 1 महीने पे कम से कम एक पॉडकास्ट लेकर आप लोग से बात करूं। बाकी ग्रुप ओपन है, किसी भी तरह के स्टडी मटेरियल किसी भी रिगार्डिंग कोई बात हो तो भाषा की मर्यादा बनाते हुए किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप लोग राइज कर सकते हैं। चलिए थैंक यू। थैंक यू सर।